नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। सांसद गीता कोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आप अपने क्षेत्र की बात उठा रही हैं, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठा रही हैं, कोल्हान में कब सर्वे हुआ? देखिए, कोल्हान में कई एक दौर में सर्वे हुआ है। जो लास्ट सर्वे हुआ है वो 64 में हुआ, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको भी इस दायरे में आप रखिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी अगर 1932। बिल्कुल, बहुत कितने लोग इफेक्ट पड़ेगा, कितने लोगों पे? कोल्हान में कई लाख लोग हैं जो आज वहाँ बासिंदे हैं। वहाँ पर सिर्फ टाउन में, मैं ये नहीं कह रही, वहाँ पर जंगलों में भी कई लोग रह रहे हैं। आज सरंडा वन क्षेत्र, जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल है, वहाँ लोग रह रहे हैं, वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, पुड़हाट जैसे जंगल में रह रहे हैं। उससे हमारे कई जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वन पट्टा है। तो वैसे लोगों के साथ में सरकार क्या ये कर रही है, निर्णय ले रही है, तो ये भी सरकार को सोचना है। और ये हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? हम तो सरकार को सिर्फ बता रहे हैं, उन्हें सुझाव दे रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री से क्या कुछ बात करी है इस पे, अपने क्षेत्र को लेकर के, कोल्हान को लेकर के खास करके? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि हमारे जो उन्होंने जो क्लॉज दिए हैं कि 1932 और उससे पहले रहने वाले लोगों को यहाँ का स्थानीय घोषित किया जाएगा, उसके बाद जो है जिनके पास खतियान नहीं है वो ग्राम सभा में जाएंगे। तो हमने वही कहा है कि जो उसके बीच के जो पीरियड के लोग हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे, तो उनका क्या होगा। सरकार इस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और इसके बाद जो ऐसे वन भूमि में जो रह रहे हैं, वन क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, जिनके पास में पट्टा नहीं है, जिनके पास में खतियान नहीं है, तो उनके साथ क्या करेगी सरकार, ये चीज़ें स्पष्ट करे। तो ये हमने कुछ सुझाव के साथ में, कुछ क्वेरीज के साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। आपके ही कुछ लोग हैं जो कि इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। 1932 की बात की जाए, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे कुछ नहीं, मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को देख रहे हैं, वो भी अपने जगह सही हैं। मैंने खतियान का कहीं विरोध नहीं किया है, वो अपने जगह पर बात वो रख रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के, जहाँ का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं वहाँ की बात रख रही हूँ। तो हमारे साथ गीता कोड़ा जी मौजूद थी, जिन्होंने खतियान की जो बात है, 1932 की बात तो कही जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से जितनी बातें रखी गई है वो अपनी कोल्हान की बातों को रख रही है। कहीं ना कहीं ये देखने को नजर आ रहा है कि जो 1932 में कुछ एक जिलों में जहां सर्वे हुए हैं, और उसके बाद आपको बताते चलूं कि 1964 के करीब में कोल्हान के जो हिस्से हैं उसमें सर्वे हुए हैं। तो गीता कोड़ा जी उधर से प्रतिनिधित्व करके आती, वहां की सांसद है, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि हम कहां जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें होती है। अपनी सरकार में होने के बावजूद ये सारे सवाल सरकार से उठाना, क्योंकि बातें रखना कहीं ना कहीं अपनी जगह वो सही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ऐसे में जनता के लिए सोचना एक बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि जहाँ पे ये 1932 में सर्वे नहीं हुआ था, जहाँ पे 1964 की बात कर लूँ या फिर 1985 के बात कर लूँ, अगर वहाँ पे सर्वे उस समय हुआ था, तो ऐसे में वो जनता और वहाँ के लोगों का क्या कुछ होगा? सरकार इनके लिए क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ उपाय निकालती है? क्योंकि अगर 2002 की मैं बात करूँ तो 2002 में भी ऐसी कई संभावनाएं बनी थी, लेकिन उसमें आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के पद से हट गए थे, जबकि पहले मुख्यमंत्री थे, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत आने लग गई थी। और अभी भी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति कहीं ना कहीं उसी तरीके की बन रही है। हेमंत सोरेन ने ये सभी चीज़ें जो लागू करी है राज्य में, उन्हीं के कहीं जो लोग हैं, उन्हीं के जो प्रतिनिधित्व, उन्हीं के सरकार में जो शामिल कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह, उनकी वो जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के लोगों के पास खतियान 1932 का नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहाँ के लोगों के पास खतियान 1964 की बात कर लूँ, वहाँ का दिखाई पड़ रहा है। कहीं कहीं जो सर्वे हुए हैं वो 1985 के हुए हैं, कहीं 1988 के हुए हैं, तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब देखने वाली बात होगी ये सभी चीज़ें किस ओर करवट बदलती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।